अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान के लिए पंजशीर घाटी अब भी सपना ही बना हुआ है। पंजशीर पर कब्जे के लिए नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच भीषण जंग चल रही है। पंजशीर पर शेर के सामने तालिबान के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने तालिबान को खुली चुनौती भी देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो पंजशीर आकर दिखाओ। सरेंडर शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन उन्हें अब भी बड़ी सफलता नहीं मिली है। अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अंदराब में पंजशीर के शेरों ने तालिबान के 50 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 20 बंधक बना लिए गए। पंजशीर पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया है। अहमद मसूद के लड़ाकों से मिल रही चुनौती के बीच तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के करीब पहुंच चुके हैं। पंजशीर घाटी के पास बने पुल पर तालिबानी आतंकी मोबाइल से तस्वीरें लेते दिखे। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि बगलान प्रांत में उसने 3 जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जो उससे नॉर्दर्न अलायंस ने छीन लिया था। बगलान की सड़कों पर तालिबानी आतंकी गाड़ियों के साथ दिखाई दिए। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान के आतंकियों का बड़ा काफिला घाटी से बाहरी इलाकों में पहुंचता दिख रहा है। तालिबान के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पंजशीर की ओर जाते दिखे हैं। तालिबान ने पहले 6,000 से ज्यादा आतंकी पंजशीर भेजे थे, लेकिन कईयों के मारे जाने के बाद काबुल से कुछ और आतंकियों को पंजशीर भेजा है। तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में लड़ रही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को तजाकिस्तान ने मदद दी है। तजाकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस को भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराए हैं। इन अत्याधुनिक हथियारों को पंजशीर घाटी तक तजाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाया गया है। ताजिकिस्तान शुरू से ही तालिबान के खिलाफ रहा है। पंजशीर में तालिबान के लिए एक और बुरी खबर है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद जिया मसूद और नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अमानुल्लाह गुजार पंजशीर पहुंच चुके हैं। दोनों ने यहां खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह की सेना को ज्वाइन कर लिया है। पंजशीर में दोनों सालेह के साथ रणनीति बनाते दिखे। पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया है। तालिबान के साथ मिलकर लड़ने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी अफगानिस्तान से लौटने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जश्न मनाते और रैली करते नजर आए। यहां लश्कर के आतंकी एक दूसरे को गले लगाते और हवा में गोलियां चलाते दिखे। लश्कर के आतंकियों ने तालिबान की जीत में खुशी में यहां बाइक रैली भी निकाली। अफगानिस्तान में तालिबान को शांति का दूत बताने वाले पाकिस्तान को अपने यहाँ तहरीके तालिबान का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के तालिबान से TTP को कोई मदद नहीं देने पर गुहार लगाई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि तालिबान ने TTP को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अफगानिस्तान में उपद्रव के बढ़ने पर चिंता जताई है। पुतिन ने कहा कि कट्टरपंथी ताकतें किसी भी देश के लिए खतरनाक हैं। मध्य एशिया के देशों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपील करते हुए कहा कि आतंकवादियों को मध्य एशिया से बाहर रखा जाना चाहिए। पुतिन ने आतंकवाद को विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा करार दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अफगानिस्तान से सेना की वापसी के फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आड़े हाथों लिया है। ब्लेयर ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से दुनिया भर के जिहादी खुश हैं। अमेरिका का ये फैसला जितना दुखद है उतना ही खतरनाक भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।